क्या होता है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है और इसको ना करने से हमें क्या नुकसान मिलता है, इस बारे में समझ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप कैसे इंसान के पास रहना चाहेंगे, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता हो, बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, या फिर ऐसे इंसान के पास रहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा उदास रहता हो, बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, ऐसे इंसान के पास रहना चाहेंगे, क्यों रहना चाहेंगे? इससे हम लोग को खुशी, क्योंकि हर इंसान हम चाहते हैं खुश रहना, हम तो कोई भी इंसान नहीं चाहते कि हम दुखी हो, हमें तकलीफ हो, हम क्या चाहते हैं, खुश रहे, हैप्पी है। हम इतना सारे काम किस लिए करते हैं, अपनी खुशी। अगर कोई इंसान 24 घंटा मेहनत करता है तो किस लिए करता है, किस सेंस पे, अपनी खुशी। अगर हम कोई चीज के लिए, अगर हम लेकिन एक चीज है कि इस सारे कामों के बीच में हम सिर्फ एक ही काम करना छोड़ देते हैं, वो है खुश रहना। मतलब हम सुबह से उठते हैं, हर एक काम करते हैं कि हम खुश रहे। हम पूजा क्यों करते हैं, हमें खुशी मिले, हमारी आत्मा को खुशी मिले। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई करके हमें खुशी मिले। कुछ पूछना चाहते हैं सर? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पढ़ाई करके खुशी मिलती है, हमको नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। हम बड़ी बड़ी चीजें क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उससे हमको खुशी मिले। लेकिन क्या उससे हमको खुशी मिलती है, उससे हमको खुशी उतनी नहीं मिलती है जितना हम चाहते हैं। क्योंकि जीवन में हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में खुशी के लिए हम सब कुछ करें लेकिन खुश होना कभी नहीं चाहते। ये इंसान का नेचर बन गया, सुबह से उठ के अपना जो भी काम करे उसी में लगे लगे। Thank you.